हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार, ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया रात को क्योंकि सुबह है मेरा टेस्ट। टेस्ट किसका? मेरा FA1 का। और इस वक्त जो टाइम है वो हो रहा है, इस वक्त टाइम रात के तकरीबन 11:30 हो चुके हैं और सुबह मेरा टेस्ट है। अब कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है तो टोटल इस बुक में 14 चैप्टर्स हैं और सुबह मेरे 5 चैप्टर्स का टेस्ट है, चैप्टर 1, 2, 3, 5 एंड 6। अब जो पहला है ना वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में, ठीक है। दूसरा आपका है टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग है। पांचवा आपका सेल्स एंड सेल्स रिकॉर्ड्स है। और छठा आपका है रिकॉर्डिंग सेल्स। सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन है ना इन 5 चैप्टर में से, वो आपका चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 5 है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, मैं साथ साथ पढ़ता हूँ, साथ साथ आपको भी समझाता हूँ। हाँ जी, तो जो चैप्टर नंबर 1 है ना वो आपका था बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में। इसके अंदर बेसिक ये है कि आपकी जो है ट्रांजेक्शन्स कितने टाइप की होती है। दो टाइप है, कैश और क्रेडिट। कैश जो आप मतलब एकदम से इमिडिएटली जो है पे कर देते हो। क्रेडिट के अंदर आप थोड़ा टाइम देते हो कि यार मैं आपको 10 दिनों में पे कर दूंगा, 15 दिनों में, 20 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में, टाइम लिमिट होती है उसमें। बाकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, सेल्स, परचेस, रिसीट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, इनकी डेफिनेशन है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। पेटी कैश है, मेथड ऑफ पेमेंट है, पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, थ्रू कैश कर सकते हो, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, चेक के थ्रू कर सकते हो और बिजनेस बैंक अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हो। पेटी कैश क्या होता है? जो आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस, जैसे यार छोटे जूस पकड़ ला, ये बिस्कुट पकड़ ला, जरा फोटो कॉपी करवाया, ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं ना ये आपके पेटी कैश में आता है। पेरोल है, पेरोल डिपार्टमेंट वो होता है कि जो हर एक बंदे को सैलरीज देता है। सही, जैसे मैं पेरोल डिपार्टमेंट के थ्रू मेरा काम है कि मैं आप सबको सैलरी दूंगा जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना कोई मुश्किल बात नहीं। कीपिंग का रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड क्यों रखते हैं कि आपका जो है बिजनेस का जो सप्लायर, हमें कस्टमर का पता चल सके। सही है, अपना रिकॉर्ड अच्छा रखने के लिए हम करते हैं। सेल्स और परचेजेस जो है वो अपने पास रखने के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं सब चीज़ें। कोई इतना मुश्किल है नहीं है। और ये आपको चैप्टर 1 था, 1 मिनट के अंदर मैंने आपको चैप्टर 1 समझाया, मैं क्या समझाऊँ। उसके अलावा चैप्टर 2 को भी हम बाद में देखेंगे। चैप्टर 3 जो है, जो आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग है, उसके अंदर क्या क्या है? यार सीधी सी बात है, टोटल 5 चीज़ें जिसको आपने माइंड में रखना है। एसेट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। एसेट आपका क्या है कि जो चीज़ जो आपको प्रॉफिट देती है अभी या आने वाले टाइम में, वो आपका एसेट है। जो आपने बिजनेस अपने कोई फैक्ट्री खोली है वो आपका एसेट है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्या है? जो चीज़ आप ओ करते हो, जो चीज़ आप ओ करते हो कि आपने इसको देनी है या इसने आपको देनी है, जो चीज़ आप ओ करते हो वो लाइबिलिटीज़ होती है। कैपिटल क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जो आप इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में करते हो, इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल है, ठीक है। इनकम क्या है? जो चीज़ आपको एज अ प्रॉफिट मिल रही है एसेट से या किसी सेल से या किसी भी चीज़ से, जो आपको पैसे आपको मिलते हैं, जो प्रॉफिट आपको मिलता है, वो आपकी इनकम होती है। सैलरीज कह लो। एक्सपेंस क्या होता है? जो आपके छोटे मोटे, ये छोटे मोटे नहीं, जो आपके खर्चे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ट्यूशन फी हो गई, जो आपके एसेट को जो है डिक्रीज़ करती है और लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती है, वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस में आपके खर्चे, आपने बस ये याद रखना है। इसके अंदर जो मेन, ये बाकी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द, इन 5 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। इसके अलावा जो याद रखने वाली बात है इस चैप्टर में, वो है कि आपने डेबिट और क्रेडिट के साथ किस तरह एंट्री करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसी से आपका सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इस चैप्टर में ना आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि परचेजेस आपके इतने की, कैश इतने की, आपकी डबल एंट्रीज हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसका अगर जब आप ये बनाते, टी अकाउंट बनाते, तो फर्स्ट करके परचेजेस का हमने एक टी अकाउंट बना दिया। डेबिट आपका हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है, क्रेडिट आपका राइट साइड पर होता है। एंट्रीज हमने डाली कि यार हमने परचेज कैश किया $120 की, जी बायर्स की, पी ली की, जितने भी आपके नाम है, टोटल आपने किया 8760, 8760, सही है। अब ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन आप जो अमाउंट ज़्यादा हो गया जिस कॉलम के अंदर, वो आपने लिख देनी है, दोनों तरफ टोटल कर देनी है और उसको ब्रॉड डाउन आपने नीचे कर देना है। और कैरी डाउन जहाँ पे कम अमाउंट होगी वो कैरी डाउन आपका ऊपर आ जाएगा। ब्रॉड डाउन हमेशा आंसर के नीचे आता है, कैरी डाउन हमेशा आपके आंसर के ऊपर आता है। ये कुछ टी अकाउंट्स मैंने बनाए हुए थे पहले। अब इसका बैलेंस किस तरह करते हैं? ये आपका ट्रायल बैलेंस है कि आपने परचेजेस कैश, जितने भी आपके जो मेन हेडिंग्स, जो मेन टॉपिक्स थे, वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो आपकी डेबिट साइड पे आई थी इस अकाउंट के अंदर, जितनी भी आपकी चीज़ें डेबिट साइड के अंदर आई थी, उसका टोटल आपके ये आ जाएगा और जितनी भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। ये ट्रायल बैलेंस है और ये आपका चैप्टर 3 के अंदर है,
ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी अब मैं ज़रा थोड़ा पढ़ लूँ, फिर आपको बाकी चीज़ें बताते हैं और फिर आपसे बाद में ज़रा मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। यार रात को मैं सो गया था तैयारी वगैरह करके, और बस अभी अभी मैं ऑटो जैसे कि मेरी आंख से आपको पता लग ही रहा होगा कि यार भाई जब अभी भी उठा है। एनीवेज अब ज़रा फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद ज़रा नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे क्योंकि आज भाई का टेस्ट भी है। दुआ करना। शावर वगैरह हमने ले लिया, मैं बाहर आ चुका हूँ, शावर लेके बाहर ही जाते हैं। अब मैं ज़रा करूँगा नाश्ता, उसके बाद हम ज़रा जाएंगे यूनिवर्सिटी, आपको भी साथ लेके चलते हैं। हाँ जी, तो ये जी मेरा नाश्ता ब्रेड ऑमलेट है, चाय और पानी है। सबसे पहले आप पानी पिया करें, उसके बाद आप ये खाओ, फिर आप ये पिए। क्या बात है दुल्हे जी, अब्दुल्ला भी आ गया मेरे साथ। अब्दुल्ला आवाज़ निकाल दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर अब नाश्ता वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, तैयार वगैरह भी हो गया, हम जा रहे हैं इल्म हासिल करने, नहीं टेस्ट दे रहे हैं, अपना इम्तिहान देने जा रहे हैं कि अपने अमाल हम देखें कि हमारे अमाल क्या हैं। अब्दुल्ला आर यू स्क्यू? नहीं यार, मैं तो बस कंफ्यूज हूँ थोड़ा, लेकिन तैयारी मेरी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब लेट्स सी यार, देखो हमारे लिए एक नई फील्ड है क्योंकि हम पहले मेडिकल के थे, ठीक है। अब तैयारी तो की है, इन लोगों को भी मैंने दिखाई तैयारी करते हुए यार, अब देखो क्या बनता है। हाँ जी यार, ना बार बार टेस्ट करता हूँ, किसी ने कहना है रिजल्ट के लिए ब्लॉग बनाना पड़ जाना यार। वैसे बात तेरी सही है, लेकिन चलो यार बता दे कुछ नहीं होता, अब जरा चलते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट चलते हैं। ओके ले जी, यूनिवर्सिटी में आ चुके और अब हम जाएंगे ज़रा क्लास वगैरह में टेस्ट वगैरह देख के आते हैं और फिर आप ज़रा मिलते हैं। A few moments later. तो ले जी तैयारी करके हम आए थे, लेकिन हमारा जो है टेस्ट हुआ नहीं, और अनफॉर्चुनेटली टेस्ट नहीं हुआ हमारा, लेकिन बहुत तैयारी की थी, हम रात तक जागते रहे हैं। अच्छा, लेकिन टेस्ट नहीं हो सका हमारा, तैयारी हो गई आगे पेपर्स में फायदा। कल टेस्ट है यार, अब कल टेस्ट है, हमने कल टेस्ट है, कल होगा। चलो लेकिन ये तो हमारे जज्बात के साथ इन्होंने गेम खेला ना, अच्छे है ना कि फ्री नहीं रहे, काफी देर तक जाग के तैयारी की थी यार। चलो यार हम इधर आके बैठे हैं, अब ऊपर जाके चेक करते हैं क्या सीन करें। प्राइस वगैरह हम खाने बैठे हैं, गुजर और यार सब कुछ ही हाली हो गया यार गुजर। चलो कोई नहीं, हम अपना एंजॉय करेंगे ब्रो। इसको क्या हुआ? इसका फोटो हो गया कोई। ओहो प्राइस खाते हैं यार। हमारा अब ऑफ हो गया और अब हम जा रहे हैं ज़रा यहाँ से एंट्री, वो एग्जिट होगी हमारी एंट्री, क्यों बार बार करनी है। हाँ जी, तो ले जी फ्री वगैरह हो गए और अब हम जा रहे ज़रा घर, क्योंकि बाकी भी काम करने हैं, फिटनेस का ख्याल आपको रखना है, जिम भी जाना है अभी। खैर अब एनीवेज घर जाके मिलते हैं, नहीं इधर से वो ले लेंगे ना सर्विस लेंगे, खैर घर जाके मिलते हैं। हाँ जी, तो ले जी घर वगैरह हम आ गए और कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए, अब मैं ज़रा जिम जाऊँगा क्योंकि फ़िटनेस का ख्याल भी आपको रखना चाहिए, हर एक काम के साथ फिटनेस का भी ख्याल रखें। और सही बंदा वही जो अपना जो है टाइम टेबल सही बनाता है, काम के साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखता है, फिटनेस भी देखता है। और जाने से पहले ये मैं पीता हूँ, ये जी सभी का जूस है, बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं इसमें, ये जिम जाने से पहले मैं पी के जाता हूँ और सही है जी आप देख। हाँ जी, तो ले जी जिम वगैरह हम आए थे और अभी अभी बस जिम से फ्री हुए, और यार एक्सरसाइज करते करते शोल्डर जो है ना मेरा, शोल्डर ये ज़रा खींच गया, लेकिन है ऐसा तो होता है, अब ज़रा गेम लगानी तो ये ज़रा कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके बर्दाश्त करते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। अब खैर घर वगैरह जाएंगे, घर जाके ज़रा डाइट शाइट लेंगे और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो ले जी घर वगैरह में आ गई हूँ और थक गई हूँ हालत से, आपको पता लग ही रहा होगा। खैर एनीवेज ये मेरी डाइट है, ये आपका शेक है जिसके अंदर केले होते हैं, पीनट बटर है और कुछ खजूरें हैं, ये आपका है कीमे का पराठा मेरा ख्याल है, मामा कीमे का है, ये आपका कीमे का पराठा है, पहले ये पियेंगे फिर हम ये खाएंगे। हाँ जी, तो ये है जी आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं लगा तो भी लाइक करने की कोशिश करो क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो मेरी वीडियोज़ को, अपना फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब तो मस्ट करना है। नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।